कोरोना से पीड़ित महिला की शिमला आईजीएमसी में हुई मौत के बाद जिला में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2 हो गया है। उक्त महिला 72 वर्षीय डुग्घा निवासी अपने पति से कोरोना संक्रमण में आई थी और किडनी की बीमारी से ग्रस्त थी और महिला को 2 दिन पहले ही आईजीएमसी शिमला में रेफर किया गया था, जहां पर टेस्ट के दौरान महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। गत देर रात कोरोना बीमारी से पीड़ित होने के चलते महिला की मौत हो गई है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और COVID-19 के इंचार्ज डॉक्टर नील वर्मा के अनुसार कोरोना पीड़ित महिला की मौत हुई है, जिसके अंतिम संस्कार के लिए परिजन भी शिमला रवाना हो गए हैं। वर्मा ने बताया कि COVID-19 से पीड़ित मृतक महिला के पति को भी सांस में दिक्कत होने के चलते गत दिवस ही नेरचौक सेंटर में शिफ्ट किया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। जो 22 तारीख को काफ़ी लोग पॉजिटिव आए थे, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी बॉम्बे से, तो उनमें से करीब हमारे पास 19 पेशेंट वहाँ भोटा पहुँचे थे, तो उसमें से एक जो पुरुष थे जिनकी उम्र है 74 साल डुग्गा से, उनको हमने, क्योंकि उनको कल अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो गई थी कुछ सांस लेने में, तो हमने उसको कल मॉर्निंग में रेफर कर दिया था टर्शरी केयर सेंटर, जो कि हमारे मोटा के साथ अटैच्ड है, नेरचौक मेडिकल कॉलेज। और एक हमने उससे एक दिन पहले हमने इसनी पेशेंट की वाइफ, जो कि भाई एडवांस्ड किडनी फेलियर में थी, वो पहले से ही उसका ट्रीटमेंट चल रहा था जालंधर से, तो क्योंकि उसका उनका टेस्ट हुआ नहीं था, तो वो हमारे पास यहाँ पर लेके आए थे उसको, जब क्योंकि उनके हस्बैंड पॉजिटिव थे, तो हमने यहाँ एडमिट करके उनका सैंपल भेजा। और उसके बाद सैंपल लेने के बाद उसको हमने, क्योंकि उनको नेफ्रोलॉजिस्ट के ओपिनियन की ज़रूरत थी कि नेफ्रोलॉजिस्ट ही उनको देख सकता है, क्योंकि लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, मल्टीपल मॉर्बिडिटी उस पेशेंट को थी, तो हमने आईजीएमसी रेफर कर दिया था। तो आईजीएमसी जब रेफर किया है, तो हमें पता चला है कि अभी पिछले कल शाम को नाइट में वो शी इज़ नो मोर, उनकी डेथ हो गई है। कि और उनके 2 जगह टेस्ट हुए थे, हमारे यहाँ भी हुए थे और आईजीएमसी में भी, दोनों जगह उनका टेस्ट पॉजिटिव था। अनिल वर्मा ने बताया कि पहलू गांव से भी एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव हुई है और ये अपने पति से कोरोना पॉजिटिव हुई है, जिससे भोटा कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि गत दिवस भी नोएडा से आई हुई कोरोना पॉजिटिव युवती भी हमीरपुर में उपचाराधीन है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भोटा कोविड अस्पताल में 21 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। आज हमारे पास एक पेशेंट, जो कि पिछले कल एक महिला 25 साल की महिला आई थी, जो कि प्रेग्नेंट है, 2 महीने की गर्भवती महिला है, उसके हस्बैंड पहले ही पॉजिटिव थे, वो पहले ही हॉस्पिटल में है, एडमिट कोविड हॉस्पिटल में, और आज उनका पता चला है कि वो भी, उनकी वो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी पॉजिटिव है, तो आज अभी हमने आधा घंटा पहले ही उसको भोटा शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि भोटा हमारा जो है मॉडरेट के लिए है, मॉडरेट या कोई और को मॉर्बिडिटी है जो जिसको थोड़ा सा ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। बाकी जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, वो अब इन्होंने डुग्गा में एक साई मैरिज पैलेस है वो बनाया हुआ है सीएमओ ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर ने, और एक एनआईटी को भी अभी कल से ही फंक्शनिंग शुरू हुई है, कल परसों से एनआईटी में जो सस्पेक्टेड केसेज हैं और जो कि माइल्ड सिम्टम्स या एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको वहाँ रखा जाएगा। थैंक यू। और पिछले कल भी हमारे पास एक महिला एडमिट हुई है दोपहर में, जो कि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है नोएडा से दिल्ली से। आपको बता दें कि जिला हमीरपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 63 हो गई है और जिला में वर्तमान में 57 केस कोरोना के एक्टिव हैं, जिनमें ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव मरीज मुंबई से लौटे हुए हैं। इनमें डुग्गा कोविड केयर सेंटर में 22 मरीज, एनआईटी में 14 और भोटा चैरिटेबल अस्पताल में 21 मरीज उपचाराधीन हैं।